हाय गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज, आज वीडियो बहुत दिन के बाद आ रही है, टाइम नहीं मिल पाता था इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी। तो चलते हैं मशीन के पास, यहाँ से खाना पीना लेके चाय पानी, क्योंकि ऑपरेटर को जब तक सुबह चाय नहीं मिलती है तब तक वो लोग मशीन स्टार्ट नहीं करते हैं। तो 9 बज रहा है इस समय, तो चलते हैं यहाँ से टाइम से, नहीं तो लेट हो जाएगा। फिर चलते हैं वहाँ का भी वीडियो दिखाते हैं आपको। तो गाइज, मशीन के पास आ गया, उधर साइड बैठ के सब लोग नाश्ता कर रहे हैं और दूसरी साइड मशीन खड़ी है, गाड़ी का फिल्टर है, मशीन इधर साइड खड़ी है, स्टार्ट है। अभी साफ़ सफाई कर रहे थे ये लोग इसका, तो नाश्ता आ गया, नाश्ता कर रहे हैं इस समय। इसके बाद फिर से साफ़ सफाई करेंगे, फिर मशीन स्टार्ट करेंगे। और ये गाड़ी का फिल्टर है, इसमें दो फिल्टर हैं, एक अंदर साइड से पतला सा और बाहर वाला बड़ा है। तो निकाल रहे हैं उसको, भी दिखा रहे हैं आपको कैसा है ये। कचरा अंदर जाने से रोकता है, बहुत ज़्यादा गंदा है इसमें, अभी साफ़ नहीं हुआ है, साफ़ होगा तो दिखाएंगे आपको कितना ज़्यादा धूल निकलता है इससे। तो ये है अंदर वाला, वो लोग अभी नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता करने के बाद इसकी सफाई करेंगे, दिखा रहे हैं आपको कितना ज़्यादा धूल निकलता है। तो ये दोनों फिल्टर है गाड़ी का। इस वाली बाइक में तेल कम था, तो चाचा फ़ोन करके बोले थे आधे समय पेट्रोल भी लेके आना, तो 2 लीटर पेट्रोल भी लाए हैं इसमें डालने के लिए, चाचा डाल रहे हैं, पेट्रोल भी पड़ गया इसमें। दूसरी साइड गाड़ी खड़ी हो गई है, आई थिंक कुछ गड़बड़ हुआ है इसमें। चलते हैं गाड़ी के पास, देखते हैं खड़ी क्यों हुई। तो गाइस, ये मशीन का थ्रेसर है, जाम हो गया है, पूरा लपेट लिया है इसी में। धान कटर से कटने के बाद यहीं पे आती है, फिर पिटाई होता है उसका। तो साफ कर रहे हैं ये लोग, साफ करने के बाद फिर से मशीन स्टार्ट करेंगे। ऐसे दिखता है अंदर से। फाइनली गाइस, मशीन स्टार्ट हो गई, बहुत ज़्यादा धूल उड़ रहा है। धान में कंडो लगा हुआ है, विष्णु भोग धान है, कंडो मतलब कि धान में काला काला सा लगा होता है, वही है। मशीन चल रही तो उड़ रहा है, ऐसे में ऑपरेटर को भी दिक्कत होता है मशीन चलाने में। यहाँ पर कटाई हो गई, तो सेवक सिंह धूल साफ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा धूल लगा हुआ है। और मशीन इधर साइड खड़ी हो गई है, और दूसरे का खेत देखने के लिए गए थे, वो खेत गीला था तो उसमें मशीन चल नहीं पाई, तो यहाँ पे खड़ी है। अब ये लोग लंच करेंगे अपना, फिर दूसरी जगह मशीन लेके चलेंगे। ये कटर है, ये जो बेलन की तरह है, यही रोटेट करता है, तो पूरा धान जो कटता है अंदर लेके जाता है, इधर साइड से जो जगह दिख रहा है थोड़ा सा। मशीन रोड पे आ गई, दूसरे का खेत काटने के लिए जा रही है। अब इधर साइड खेत कट गया, तो ये लोग भेड़ लाए हैं यहाँ पे चराने के लिए। खेत कट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दो दिन अपना इधर साइड रहेंगे, फिर दूसरे साइड लेके जाएंगे। इधर साइड में बहुत ढेर सारी यहाँ पे। अभी तक मशीन रोड पे खड़ी हुई थी, खेत में जा रही है, अब कटर टोला पे रखा जाएगा, उसके बाद मशीन यहाँ से जाएगी दूसरी जगह खेत काटने के लिए। Thank you.
इस ब्लॉग को एंड करते हैं, यहीं पे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।